नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का कृषि उत्पादन विभाग किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का जो कृषि उत्पादन विभाग है ये किसान संपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। और तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हुई है, तो ये रहा जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कारखंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजीपे शक्ति मिशन की शुरुआत की गई। कलिच फीसेंट को जम्मू और कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया। जम्मू और कश्मीर में सूफी महोत्सव मनाया गया। जम्मू और कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। डोगरी जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया था। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक की एक विशेष पहल की स्थापना की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर की। दो कैपिटल हैं, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ UT बनाए गए थे। डाजीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हैं। आप याद रखेगा क्योंकि ये डाजीगम नेशनल पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाईकोर्ट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दोनों की कॉमन है, उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया था, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के? यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं N कोटेश्वर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया गया यानी व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सी ऑप्शन 18 अप्रैल। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 17 अप्रैल 2023 को विश्व हीमोफोलिया दिवस ये मनाया गया। 15 अप्रैल 2023 को विश्व कला दिवस ये मनाया गया। 10 अप्रैल 2023 को विश्व होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया और 18 अप्रैल 2023 को विश्व हेरिटेज दिवस ये मनाया गया, सी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी यानी बी ऑप्शन। ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश में चालू किया गया? तो ये किया गया फिनलैंड में, डी ऑप्शन फिनलैंड। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, हेलसिंकी कैपिटल है।
यही लार्जेस्ट सिटी है, यूरो करेंसी है, प्रेसिडेंट है सोली निनिस्टो, प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, यही लार्जेस्ट सिटी है। नॉर्वे क्रोन करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है जॉन्स घर स्टोर। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यही लार्जेस्ट सिटी है, यूरो करेंसी है, प्रेजिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोर्न। तो डी ऑप्शन फिनलैंड, ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फिनलैंड की लोकेशन है। ये देखिए आप हेलसिंकी, इसकी कैपिटल है। और बाल्टिक स्टेट के बारे में आपने सुना होगा, बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं इस्टोनिया, लेटविया और लिथुनिया। इन तीनों कंट्रीज़ को मिला के बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा एग्जाम में। फिफ्थ क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के किस राज्य में मेईतेई चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ? मणिपुर में। बी ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। नागालैंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कोहिमा। और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यानी बी ऑप्शन मणिपुर फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2023 पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो ये की जाएगी चेन्नई में। डी ऑप्शन चेन्नई सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्य का नाम पूछे तो तमिलनाडु, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। डी ऑप्शन सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर है, यानी ए ऑप्शन फर्स्ट। ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रिज द 2-डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस हेल्ड। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, ये एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, यानी बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मॉन्ग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। तो बी ऑप्शन नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलहाल जो है इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।